देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। उस रात मुझे अपने ट्रेन का वेट करते करते 10 घंटे के करीब बीत चुके थे, मगर ट्रेन अभी तक नहीं आई थी। ऊपर से पूछताछ विभाग वाले कुछ साफ साफ बता भी नहीं रहे थे, और इधर घड़ी की सुइयां बिना थके घूमे जा रही थी। तो वहीं अब मेरी आंख ट्रेन की राह ताकते ताकते पथराने लगी थी। शरीर भी अब बिस्तर खोजने लगा था, मगर बिछाने के लिए कुछ भी ना होने के कारण मैं लेट नहीं सकता था। इसी बीच मेरी नज़र वहीं प्लेटफार्म पर अखबार बेच रहे एक बच्चे पर पड़ी। मैं उबासियाँ लेते हुए उस बच्चे को आवाज़ लगाते हुए बोला, अरे मुन्ना एक अखबार तो देना। तो स्टेशन पर शोर शराबे के चलते वो लड़का मेरी आवाज़ नहीं सुन पाया। फिर जब दूसरी बार मैंने थोड़ा दम लगाते हुए उसे आवाज़ दी तो वो रुका और फिर मेरी ओर देखने लगा। फिर जब मैंने उस बच्चे को इशारा करके अपने पास बुलाया तो वो मेरे पास आकर चुपचाप खड़ा हो गया। इस पर मैंने कहा, मुँह क्या देख रहा है, चल एक न्यूज़पेपर दे दे। मेरे इतना कहते ही वो एक न्यूज़पेपर वहीं नीचे छोड़कर बिना पैसे लिए ही वहाँ से भाग गया। शायद मेरे सुंदर चेहरे को देखकर वो डर गया था। खैर मैंने अभी उस न्यूज़पेपर को उठाया ही था कि तभी अनाउंसमेंट हुई कि मेरी गाड़ी 9 नंबर प्लेटफार्म पर आ रही है। मैंने फटाफट न्यूज़पेपर उठाया और प्लेटफार्म 9 की तरफ दौड़ने लगा। फिर जब मैं प्लेटफार्म 9 पर पहुंचा तो पाया कि ये प्लेटफार्म तो अभी बन ही रहा है, और स्टेशन के आखिर में होने के कारण यहाँ बगल में जंगल और अंधेरा ही अंधेरा है। यहाँ तक कि उस वक्त प्लेटफार्म 9 पर कोई दूसरा मुसाफिर नज़र भी नहीं आ रहा था। चूंकि अभी ट्रेन नहीं आई थी तो मैं वहीं प्लेटफार्म के किनारे खड़ा हो गया और ट्रेन के आने का वेट करने लगा। अभी मैं ट्रेन का वेट कर ही रहा था कि एक आदमी ठीक मेरे बगल से आकर खड़ा हो गया। एक पल को मेरा ध्यान उस पर गया तो ज़रूर, मगर मैंने उसे टोकना ठीक नहीं समझा और मैं सिर्फ चुपचाप खड़ा रहा। तभी वो आदमी मेरी तरफ देखते हुए मुस्कुराने लगा, जो कि मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लगा। और मैंने उसी वक्त उस बंदे से कहा, आप मेरे को देखकर ऐसे हंस क्यों रहे हो? पर उस बंदे ने मेरे को कोई जवाब नहीं दिया। मैं उसे दोबारा टोकने वाला ही था कि मेरा ध्यान इस बात पर गया कि वो बंदा मेरे को देखकर नहीं बल्कि उसकी निगाहें पीछे की ओर थीं। फिर जब मैंने पीछे पलटकर देखा तो वहाँ पर कोई भी नहीं था, और तो और जब मैंने वापस पलटकर उस बंदे की तरफ देखा तो वो भी अब वहाँ से गायब हो चुका था। मैंने उस 9 नंबर प्लेटफार्म पर उसे निगाहें दौड़ाते हुए ढूंढने की कोशिश की, मगर वो अब कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। पता नहीं क्यों अब मेरी नींद कोसों दूर भाग चुकी थी और दिल की धड़कनें इस कदर बढ़ गई थी मानो मैंने कोई दौड़ प्रतियोगिता में दौड़ लगाई हो। ऊपर से ट्रेन ने अलग से दिमाग खराब किया हुआ था। तभी ट्रेन की हॉर्न सुनाई दी, जिसका मतलब था कि अब कुछ ही देर में ट्रेन आ जाएगी। मैं अब जल्द से जल्द यहाँ से निकलना चाहता था, तभी पीछे से किसी ने मुझे धक्का दिया और धक्का लगते ही मैं प्लेटफार्म से सीधे नीचे पटरियों के बीच जा गिरा। गिरते ही मेरा माथा एकदम से चकरा गया। मैं अभी उठकर बैठा ही था कि मुझे पटरियों में हो रही कंपन महसूस हुई। फिर जब मैंने सामने की ओर देखा तो मुझे ट्रेन की तेज रोशनी दिखाई पड़ी। मैं तुरंत ही पटरियों से उठकर वापस प्लेटफार्म पर चढ़ने ही जा रहा था कि तभी मुझे एहसास हुआ कि मेरा पांव कहीं फंसा हुआ है। फिर जब मैंने अपने पांव की तरफ देखा तो पाया कि पटरियों के बीच से कई हाथ बाहर निकल आए हैं और मेरे पैरों को जकड़े हुए हैं, जिस वजह से मैं वहां से हिल नहीं पा रहा था। ट्रेन भी अब काफ़ी करीब आ चुकी थी। मुझे लगा कि आज तो मैं गया, कि तभी किसी ने कहा, मेरा हाथ पकड़ो। जैसे ही उसने अपना हाथ दिया
कि उन सारे हाथों ने मेरा पैर छोड़ दिया और मैं वक्त रहते ही वापस प्लेटफार्म पर चढ़ गया। मैं अभी इतना ज़्यादा घबराया हुआ था कि अभी भी मुझे होश नहीं था। फिर मेरा ध्यान उस पर गया जिसने हाथ देकर मुझे ऊपर खींचा था, और वो कोई और नहीं बल्कि वही न्यूज़पेपर वाला लड़का था जिससे मैंने न्यूज़पेपर लिया था। मैं अभी उसी की निगाहों में देखे जा रहा था कि तभी किसी ने पीछे से आवाज़ देते हुए कहा, अरे ये कहाँ बैठा हुआ है, चलो उठे यहाँ से। फिर जब मैंने पीछे पलट कर देखा तो पाया कि ट्रेन लग चुकी है और उसमें से मुसाफिर उतर रहे हैं। मैं भी उठा और जैसे ही उस बच्चे की तरफ पलटा तो वो बच्चा वहाँ पर नहीं था। मैं चुपचाप अपने बोगी में चढ़ा और कुछ देर बाद वहाँ से ट्रेन के साथ निकल गया। फिर इस हादसे के कई महीनों बाद मुझे पता चला कि उस रेलवे स्टेशन पर काफ़ी पहले पटरियाँ बिछाते वक्त कुछ मज़दूरों की जान चली गई थी। इस बात को दबाने के लिए उन्होंने उन मज़दूरों की लाशों को उन्हीं पटरियों के नीचे ही दफन कर दिया था। मगर पता नहीं कैसे उस मुसाफिर के बच्चे को ये बात पता चल गई जो इस स्टेशन पर न्यूज़पेपर बेचा करता था। वो हर वक्त उन पटरियों पर बैठा रोता ही रहता और वहाँ के लोग उसे कितना भी वहाँ से हटाते पर वो लड़का वापस वहीं आकर बैठ जाता। और ऐसे ही एक रात जब वो उसी पटरी पर बैठा हुआ था कि एक ट्रेन उसे कुचलती हुई चली गई। तब से उस बच्चे की भी आत्मा उसी रेलवे स्टेशन के आसपास भटकती रहती है। मुझे ये तो पता नहीं उस बच्चे ने मेरी जान क्यों बचाई थी, पर मुझे इस बात का बहुत दुख है कि भगवान ने उस बच्चे के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।